सो गुड मॉर्निंग, अभी हो रहे हैं अराउंड 8 AM और हमने होटल चेकआउट कर दिया है। सो यहाँ से आज हमारा प्लान है कि हम जाएंगे आमेर फोर्ट विज़िट करने, और उसके बाद अगर हो सकता है टाइम मिलेगा तो हम भानगढ़ भी जाने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलता है हमें तो, नहीं तो आमेर का फोर्ट विज़िट करके हम बैक टू होम होंगे। अब यहाँ से अच्छा था वैसे होटल, लेकिन थोड़ा सा अभी फैसिलिटीज़ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम चल ही रहा है होटल में, क्योंकि कोविड की वजह से स्टाफ कम है, तो थोड़ा सा 9-10 हो रहा था फैसिलिटी में, थोड़ा सर्विस में। ओवरऑल ठीक था, ओवरऑल तो अच्छा था प्लेस। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हम किस जगह पर रुके हैं। ये संजय मार्ग करके रोड का नेम है जयपुर में, और हम संजय मार्ग पे ही होटल है यहाँ पे। मैं आपको एक बार प्लेस दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में हम सीधे आए हैं आमेर फोर्ट। पीछे आप व्यू देख सकते हैं आमेर फोर्ट का, और यहाँ से जो ऊपर आपको दिख रहा है अरावली हिल्स पर, वो है जयगढ़ फोर्ट जो आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मॉर्निंग में यहाँ पे काफ़ी ठंड भी है, तो एक बार व्यू आप देखिए और इन्जॉय करिए। तो बस हम आमेर फोर्ट के एंट्री पॉइंट पे आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे मॉर्निंग का जो वाइब है अलग ही लग रहा है यहाँ पे, और सीधे अब हम आपको अंदर दिखाएंगे आमेर फोर्ट कैसा है अंदर से। आपको जानकारी देता हूँ जिस जगह पर आप लोग आए हुए हैं, नीचे जो गांव आप देख रहे हैं आमेर के नाम से जाना जाता है। लगभग 1000 साल पुराना इस गांव का इतिहास है। 1000 साल पहले राजस्थान की लोकल कास्ट मीणा, जिनका यहां पे शासन हुआ करता था, उनको डिफीट देके जो राजपूत राजा यहां आए वो कहलाए कुशवाहा राजपूत। कुशवाहा जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उनके 2 बेटे थे लव और कुश, तो कुश के डिसेंडेंट्स थे यहाँ के राजपूत राजा, इसलिए कुशवाहा कहलाए। उनमें जो फर्स्ट महाराजा यहाँ आए वो थे मानसिंह फर्स्ट इन 15th century 15वीं शताब्दी में, और मानसिंह वही राजा थे जो अकबर की आर्मी में चीफ कमांडेंट भी थे। तो 15th century में यहाँ आके अंबर फोर्ट जिसे अभी हम देखने जा रहे हैं इसका फाउंडेशन स्टार्ट करवाया 1592 में, और इस फोर्ट को बनवाने में राजाओं को लगे 128 ईयर 128 साल। 3 राजाओं का पूरा जीवन लगा, वो 3 राजा थे मानसिंह 1, जयसिंह 1 और जयसिंह 2। जयसिंह 2 ने अंबर फोर्ट को कंप्लीट करने के बाद देन जयपुर सिटी का फाउंडेशन कराया, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना गया, गुलाबी नगरी। Thank you.
तो आमेर फोर्ट के अंदर आ चुके हैं हम, और ये पीछे जो आप देख रहे हो ये जो गेट है इसको सिंह द्वार बोलते हैं, क्योंकि अकबर ने राजा मानसिंह जो बोलते हैं अपन, वो अकबर ने उनको उपाधि दी थी सिंह की, क्योंकि वो बहुत मतलब बहादुर थे, इसलिए सिंह की उपाधि दी थी, इसलिए उसको सिंह द्वार कहते। उसी के बाद से सभी राजा जयसिंह मानसिंह उसके बाद से सिंह लगाने लगे, पहले उनके नाम कुछ और होते थे। तो ये वाला प्लेस है, और ये प्लेस मुगल और राजपूत कंस्ट्रक्शन मिक्स है। इसका डिज़ाइन आप देखोगे तो कहीं पर ग्रीन कलर यूज़ है जो मुगल से रिलेट करता है, और कहीं पर हाथी घोड़े वोड़े बने हुए, तो वो आपके राजपूत शैली पे जाता है। जो आप प्लेस देख रहे हो, इस गेट का नाम है गणेश पोल, इसके अंदर राजा और रानी का बेडरूम था, और इसके ऊपर जो आप जितने भी पेंटिंग्स देख रहे हो, ये जितनी भी पेंटिंग्स थी, ये सभी पेंटिंग्स पालक टमाटर या फिर उन सब के जूस से निकाल कर उसमें फिर थोड़ा गम मिलाकर ये पेंटिंग की गई। और ये पेंटिंग अराउंड 400 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन अभी भी देखते तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी बनी हुई है। जैसे आप पेंटिंग को मैं आप शॉर्ट देख रहे होंगे अभी पेंटिंग का, तो बिल्कुल परफेक्ट पेंटिंग है ये। ये गणेश पोल आपने पीछे देखा, अब मैं बहुत अच्छा एक व्यू दिखाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ से आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, जोधा अकबर मूवी में यहीं से जो ऋतिक रोशन बारात लेकर आता है उसमें यहीं का शॉट है। और पीछे एक गार्डन देखोगे जिसको आप सेफ्रॉन गार्डन बोलते हैं, जहाँ पे राजा ने सेफ्रॉन उगाने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान के टेम्परेचर की वजह से उग नहीं पाया था। आप एक बार शॉट देखिए। ये पीछे आप देख रहे हो आमेर फोर्ट हमने विजिट किया, कैसा फील अंदर? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही नाइस प्लेस है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा, जो मतलब अगर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग देखो तो सबसे अच्छा पूरे जयपुर में अगर बेस्ट प्लेस है तो आमेर फोर्ट सबसे अच्छा प्लेस है। होप आपको सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ से अब हम देखते हैं यहाँ पे आसपास कोई प्लेस है अगर विजिट करने का आमेर फोर्ट के, तो वो विजिट करते हैं। नहीं तो हमारा प्लान है भानगढ़ जाने का यहाँ से, तो यहाँ से सीधे भानगढ़ जाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेस है, मतलब इसका
टिकट फेयर अराउंड है इसका 100 रुपीज़ और पार्किंग, हाँ 1% और 50 रुपीज़ पार्किंग का, तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा प्लेस है।